लेने वाली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? जरूर, फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, क्योंकि मैं मुझे लगता है कि इस फिल्म में मोर देन बोल्डनेस देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरी टू स्पीक. जब आप ये फिल्म रिलीज होगी आपको पता चलेगा. अभी जो आप ट्रेलर में देख रहे हो, जो टीजर में देख रहे हो, इट्स ऑल फ्रॉम अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज एन एंटरटेनमेंट, बट इसकी कहानी कुछ और है. और एंड इट्स अ थ्रिलर. सो आपको ज़रूर इन अ स्टोरी आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा. एंड एज अ 50th फिल्म, आई थिंक इट बिकम्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग दैट कैन एक्चुअली अपलिफ्ट माई करियर, यू नो. तो मुझे वैसे स्क्रिप्ट में मैं मतलब आई वॉज लुकिंग फॉर इट इन साउथ, बट इट्स सो हैपन आई गॉट इट इन बॉलीवुड. सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड इन दैट वेज. सो मुझे ये कहानी, मैंने बोला था आपको कि ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बिकॉज ये जो कहानी है द जर्नी ऑफ अ गर्ल. द फ्यू सिचुएशंस वेयर जब मैं ये नरेशन पे बैठी थी आई कुड रिलेट सो मच. और मैं सोच रही थी कि ये क्यों इतना ओपनली बाहर नहीं आता है. व्हाई पीपल आर नॉट मेकिंग दिस व्हिच इज एक्चुअली द ट्रूथ दैट्स अराउंड. सो समथिंग दैट आई कुड कनेक्ट विथ मी. And that's what I, that's how I took it up as a challenge. And it's been a challenging journey for me to do like bold scenes like this in the film, because jo background se main aati hu, like from south, there is a limit to glamour over there. Main ye nahi bol rahi ki main glamorous role nahi ki, I have not done glamorous roles down south. It's just that there is a limitation to that. But yahan pe I've gone all out because the story needs it, the script needs it, not just to sell my skin or my body. And Raai Laxmi ji, aapne bataya ki trailer mein jaisa ki humne dekha ki heroine banne ke liye compromise karna padta hai, jitna bhi aapne kaam kiya hai south mein ya hindi film industry mein, personal life mein aap aisa feel karti hai ki heroine banne ke liye compromise karna padta hai? See, har ek insaan ka alag alag experience hota hai, so I cannot comment on that. Jo mere sath hua hai in the industry, I've been one of those lucky ones jahan meri entry easy hui hai. But I don't want to run away from this. I have faced situations when I was known, not when I was struggling. So it is important to actually share this message to people ki it's just not a glam world. Even actresses go through a lot of challenging situations. कभी आपको ऐसे मतलब फेस करना पड़ा या आपकी लाइफ में? फेस तो हर इंसान करता है, हर फील्ड में करता है, बट द थिंग इज हाउ यू टेक इट अप एंड हाउ यू हैंडल इट इज व्हाट मैटर्स. लक्ष्मी, जैसे आपने कहा जैसे आपने कहा कि आपने इस किरदार से रिलेट किया, और जिस तरह के ट्रेलर में हम लोगों ने डायलॉग देखे कि यहाँ पर तो सिर्फ बॉडी चलती है, और जैसे आपने कहा कि आप मुझे स्टार बना देंगे, अब अभी तो आप मुझे स्टार नहीं सुपर स्टार बना देंगे, आप अग्री करती हैं कि यहाँ पर बॉडी चलती है और स्किन शो से स्टार बना जा सकता है? दैट्स पार्टली द ट्रूथ एंड इट्स द सैड ट्रूथ, बट उसके अलावा भी टैलेंट भी चलता है. जो फिल्म में आप देख पाओ, इसमें नहीं देखे आप, जो आप व्हाट यू सी हियर इज ओनली द बॉडी, बट जब फिल्म देखोगे आप तो इट कम्स एज अ पैकेज. सो डेफिनेटली इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल. एंड ये जूली की कहानी, ये मेरी कहानी नहीं है. सो लेट्स नॉट कन्फ्यूज पीपल. आई एम जस्ट सेइंग अ लॉट ऑफ सिचुएशंस इन द फिल्म विच एवरी गर्ल कैन रिलेट. आप भी रिलेट करोगे उसके साथ. इट्स नॉट अबाउट एन एक्ट्रेस, इट्स नॉट अबाउट अ स्टोरी ऑफ एन एक्ट्रेस, बट अबाउट अ गर्ल. पहलाज जी दो और सवाल लेंगे हम लोग. पहलाज जी, दीपक जी, स्ट्रेट यहाँ पे, इफ यू कैन सी मी, अ क्वेश्चन कॉमन टू बोथ ऑफ यू. आज के तारीख में एक एक्ट्रेस बहुत चर्चित है, कंगना रनौत. शी वॉज सपोज टू बी लॉन्च्ड बाय पहलाजी एंड दीपक जी इन अ फिल्म कॉल्ड आई लव यू बॉस. शी हैड डन अ वेरी बोल्ड फोटोशूट आल्सो विद यू गाइस. व्हाट हैपेंड टू दैट फिल्म? व्हाई डिड इट गॉट शेल्व्ड? ये जो बीत गया उसे बीत जाने दो, और जो नहीं बनाया उसको भूल जाइए. जो आज देख रहे हो आप उसी को देखो कि आज कंगना रनौत क्या कर रही है. थैंक यू. लेकिन हुआ क्या था उस टाइम? आई मीन क्यों? I don't want to open the box and tell you anything. जैसे एक अच्छी माहौल में अच्छी चीज निकल जाती है, उसे भूल जाना ही बेहतरीन होती है. सर, तो उस टाइम पे कुछ अच्छी चीज नहीं हुई थी जिसकी वजह से बॉक्स बंद हो गया था? अब जो बॉस रहा ही नहीं, उस बॉस को क्यों बात करना? सही बात. दीपक जी, what do you have to say? Why didn't the film happen with Kangana? I have to respect a producer. But would you like to make that film again with her today? Given an opportunity, is a script ahead of its time even now. It will be made at some point of time, I'm sure. Right, one last question we'll take. जी, अच्छा तीन हो गए. आइए.
पहला जी, आपने एक बात कही थी कि ये इंडस्ट्री की दास्तां बता रही है जिस तरीके से एक स्टार के साथ होता है, तो ये गंदगी भी इंडस्ट्री के लोगों की ही तरफ से होती है, इसकी सफाई के लिए आप क्या सजेशंस होंगे आपके? देखिए, ये सफाई जो है, जब तक आए ओपनर कोई चीज़ नहीं आए। अब सफाई जो है हर इंसान अपने घर में करता है, लेकिन देश में अपने घर के बाहर कोई नहीं करता। और आज ये अभियान शुरू हुआ है तब लोगों को माइंड में आता है कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ घर रखना चाहिए। और सबसे पहली बात जो है, मैं सोचता हूँ सब घर स्वच्छ हो या ना हो, पहले मन स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। पहले मन को स्वच्छ करना हम सबकी जिम्मेदारी है। दीपक जी, और जहाँ मतलब ये फिल्म लगेगी तो जो इंडस्ट्री है उसको भी लगेगा कि नहीं, ऐसा नए टैलेंट के साथ नहीं होना चाहिए। फिल्म जो है मिरर ऑफ द सोसाइटी है, लोग कॉपी करते हैं, लोग सोचते हैं और लोग इसको अपनाते भी है। बिकॉज ऑफ दैट फैन फॉलोइंग होती है, इसलिए हम कहते हैं कि फिल्म में उतना ही अच्छा ही दिखाओ ताकि कोई बच्चा भी एडॉप्ट ना कर सके। जो एडल्ट का कंटेंट एडल्ट को दिखाओ, बच्चों का कंटेंट बच्चों को दिखाओ, तब जाके ये प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन बिना देखे, बिना जाने, बिना पहचाने हम तुम पर मेहरबान हो जाएं और कह दें कि हर पिक्चर पास हो जाए, नहीं चलेगा। पहलाज जी, दीपक जी, आप लोग अग्री करते हैं कि मतलब जैसे आपने खुद ही कहा कि यहाँ पर सिर्फ बॉडी चलती है? सॉरी, मतलब आप लोग इनसाइडर हैं इंडस्ट्री के, और जैसा आपकी फिल्म में डायलॉग है कि यहाँ पर सिर्फ बॉडी चलती है, आप दोनों अग्री करते हैं यहाँ पर? पहलाज जी, आई डोंट अग्री। देखिए, जब तक कंटेंट नहीं होगा, बात सुनिए, जब तक कंटेंट नहीं होगा, बॉडी दिखा दें या शाहरुख खान दिखा दें या सलमान दिखा दें, विदाउट कंटेंट नोबडी जीरो। वन लास्ट क्वेश्चन मैम, थैंक यू। You seem to be more bolder than what Julie's appeared on screen with your transformation. So could you tell us about the sudden transformation from being what you were and from what you are right now? You've been transformed completely. You've been contradicting your statements all throughout this entire press conference. देखिए, आप बार-बार वही सवाल पूछते हैं। तरीका जो है बॉम्बे से दिल्ली तक जाने का एक ही रास्ता है। आप ग्वालियर से जाओ या इंदौर से जाओ, वही रास्ता आप बार-बार पूछ रही हैं। सुपर, जोरदार तालियां। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन मैम। हाँ, आखिरी एंड जी, हो गया। वन लास्ट क्वेश्चन विल टेक। पहलाज जी, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। हाय सर, आइए। हां, पूछ लीजिए आप। अच्छा, नो, आई नीड हिम टू लुक एट मी। सर, आप देख लीजिए उनको प्लीज। हाय पहलाज जी। नहीं मतलब यहां यहाँ मैं खड़ी हूँ। अरे यहाँ, अरे मैं भी बाहर। सर, इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच दिस। एज अ वुमन एंड एज अ फिल्म जर्नलिस्ट, आई फील दैट इट्स अ वेरी लेडी ओरिएंटेड फिल्म एंड टॉक्स अबाउट अ फैंटेसी ऑफ लाइफ। सो व्हाट वाज इट अबाउट द स्क्रिप्ट दैट एक्साइटेड यू? देखिए, अब सारा कार्ड अब आपके सामने अभी खोल देंगे तो पिक्चर कौन देखेगा? मीडिया जो है ना सारी, आजकल जो मैंने आपने कहा, मुझे मालूम है आप किस लिए कह रही हैं, और मैं वो भी जानता हूँ। बुर्का नहीं है यहाँ पे, इतनी बता दूँ मैं, यहाँ पे बुर्का नहीं है। जो आप पूछना चाह रही है, ये सारी स्क्रिप्ट जो है एक कम्प्लीटली स्टोरी है, और जो रिलेट करेगी, हर इंसान अपने साथ रिलेट करेगा। और आई थिंक फिल्म जो है, आपने देखा ट्रेलर देखा, पिक्चर अभी दोस्त बाकी है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिस एंटायर टीम, एंड आप लोगों के लिए इतना जोश दिखाया है, कमाल है, थैंक यू। मोहतरमा, आखिरी सवाल था, वी नीड टू रैप अप। पूछने तो चलो, कोई नहीं। आप जो ना बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं, मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, कहीं परहेज नहीं है। आपने देखा ना, मुझे परहेज नहीं है कोई भी। आपने बोल्ड भी देख लिया, ब्यूटीफुल भी देख लिया, ब्लेस भी देख लिया, संस्कार भी देख लिया, संस्कार रैयत भी देख ली, तो मुझे कोई परहेज नहीं है। इज अ ओनली रेटिंग इज अ प्रॉब्लम। रेटिंग लीजिए और अपनी फिल्म को दिखाइए। थैंक यू।